नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आपको 1998 में रिलीज फिल्म दुल्हे राजा याद होगी, जिसमें गोविंदा थे, रवीना टंडन, कादर खान, असरानी, जॉनी लीवर जैसे कई प्रसिद्ध सितारे थे। और दोस्तों क्या कमाल की फिल्म थी, बहुत ही कॉमेडी मूवी थी, जबरदस्त। इसमें मतलब हंसी का एक तरीके से डोज थी, हंसी की फुल डोज थी, बड़े ही मजेदार फिल्म थी। और गोविंदा फुल फॉर्म में थे उस समय, और कॉमेडी के लाजवाब अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। तो फिल्म जितनी शानदार कॉमेडी थी फिल्म में, उतने ही शानदार फिल्म के जो गाने थे, म्यूजिक भी काफी बड़ा हिट हुआ था। और कादर खान, जॉनी लीवर, असरानी जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म में थे, और गोविंदा और रवीना टंडन की केमिस्ट्री भी बहुत ही जबरदस्त थी। तो आइकॉनिक मूवी थी और काफी जबरदस्त फिल्म हिट भी हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों अब सुनने में खबर ये आ रही है, ऑफिशियल सूत्रों के हिसाब से, विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि शाहरुख खान इस फिल्म का रीमेक बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान अपनी कंपनी रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म का रीमेक बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर भी चुन लिया है। दरअसल दोस्तों वे इस फिल्म का रीमेक बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध डायरेक्टर फरहाद सामजी को देने वाले हैं। फरहाद सामजी जिनकी बच्चन पांडे अभी हाल ही रिलीज फिल्म अक्षय कुमार जिसमें थे फ्लॉप साबित हुई थी, और इस समय वे सलमान खान के साथ फिल्म किसी का भाई किसी की जान कर रहे हैं, मतलब उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस फिल्म के बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख खान उनको इस फिल्म की जिम्मेदारी देंगे, और इसकी स्क्रिप्ट पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। और शाहरुख खान इस फिल्म को बनाने में बहुत ही इंटरेस्टेड लगते हैं, उनको ये फिल्म काफी पसंद आई थी, और उनके हिसाब से आजकल ये जो कॉमेडी मूवीज का दौर है, कॉमेडी मूवीज काफी पसंद की जाती है। तो हालांकि स्टारकास्ट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि इस फिल्म में शाहरुख खान खुद नजर आएंगे या किसी अन्य स्टार्स को वो मौका देंगे, और फिल्म OTT के लिए बनाई जाएगी या फिर थिएटर्स के लिए लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर बनाई जाएगी, इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये विश्वस्त सूत्रों से जरूर खबर आ रही है कि शाहरुख खान इस फिल्म का रीमेक जरूर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी, और आप इस फिल्म के रीमेक के बारे में क्या सोचते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि इस फिल्म का अगर रीमेक बनाया जाता है तो किसकी कास्टिंग की जानी चाहिए, कौन सा हीरो इस फिल्म में होनी चाहिए, और कौन सी हीरोइन, कौन सी एक्ट्रेस को इस फिल्म में लिया जाना चाहिए, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।